हेलो दोस्तों, कम हो या ज़्यादा, घूमने का शौक आखिर अब में से किसको नहीं होता। और घूमने के दौरान सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो है रहने का। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आज मैं बात करूँगा। सिर्फ ये वीडियो आपको देखनी होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप रुक सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च करे। दोस्तों, क्राउड सर्फिंग के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और शायद कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना और जिन्होंने सुना भी है, जिन्होंने की भी है, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए एक बार, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्राउड सर्फिंग के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, और आखिर क्राउड सर्फिंग होता क्या है। क्राउड सर्फिंग एक कम्युनिटी है, उसकी एक एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, और वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप रुक सकते हैं दुनिया के किसी भी शहर में बिना एक भी पैसा खर्च किए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कम्युनिटी है कि जहाँ ट्रैवलर्स अपना प्रोफाइल बनाते हैं, और वो प्रोफाइल होता है शहरों के बारे में कि किस शहर में कितने क्राउड सर्फर्स रह रहे हैं, और उनके यहाँ जा करके आप रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बदले में आपको सिर्फ इतना करना होगा, उनको भी अपना स्पेस ऑफर करना होगा या अपना घर ऑफर करना होगा कि जब वो आपके कंट्री में घूमने आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्राउड सर्फिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों, पहला फायदा यह है कि आपको रहने का बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना, आपको एक पैसा नहीं देना, आप फ्री में रुक सकते हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता है। क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा खर्चा जिस चीज़ में होता है वो होता है हमारे रहने में। हम या तो किसी होटल में रुकते हैं या किसी गेस्ट हाउस में या किसी हॉस्टल में, लेकिन क्राउड सर्फिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ आपको क्राउड सर्फर्स को बताना है कि आप आ रहे हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव्ड होते हैं तो आप उनके घर जा करके आराम से रह सकते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों क्राउड सर्फिंग का ये है कि आप लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली उस जगह के बारे में सब कुछ जानते होंगे कि जो आपको होस्ट कर रहे हैं, और उनसे बातचीत करके आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ का कल्चर जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको घूमना है उस जगह पर के जहाँ आप पहुँचे हैं, चाहे वो दुनिया कोई भी शहर हो, सभी बड़े शहरों में क्राउड सर्फर्स मौजूद होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है क्राउड सर्फिंग का वो ये है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग क्राउड सर्फिंग का इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ और भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं जो किसी और देश से हों, जिनका एक अलग कल्चर हो, तो आपको बहुत सारे कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं क्राउड सर्फिंग में किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या उसके नुकसान होते हैं। तो उसमें पहला है दोस्तों के आराम, आराम के साथ आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। आपको होटल वाली फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक काउच पे भी आपको सोना पड़ सकता है, जैसा कि इस कम्युनिटी का नाम है, और या फिर एक मैट्रेस आपको मिलेगा। तो यही चीज़ है कि जो आपके स्टे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाएगी, लेकिन हाँ, उसके साथ इतने फ़ायदों के साथ इतना नुकसान झेला जा सकता है। दूसरा जो नुकसान आपको हो सकता है इस क्राउड सर्फिंग के एक्सपीरियंस के दौरान, वो ये है कि आप ऑब्वियसली किसी के मकान में रहेंगे तो आपको उसके मकान के नियमों को फॉलो करना होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप रात को 4 बजे आते हैं तो 4 बजे ही आपको चाबियां मिलेंगी, 4 बजे आपको एंट्री मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार जो होस्ट आपके हों आप उनसे बात कर लें, आप ये उनको बता दें कि आप लेट हो सकते हैं, या आप रात को भी ट्रैवल करते हैं, या रात को भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप पहले से कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो मुश्किल आपके लिए हो सकती है, शायद आपको उनके मकान के नियम फॉलो करने पड़े। तो इस चीज़ को आप पहले से कंफर्म करके जा सकते हैं, तो आपका जो स्टे है वो अच्छा हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि आप क्राइम का शिकार हो सकते हैं कि जहाँ आप रहने जा रहे हैं वहाँ आप कैसे ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आप सेफ़ हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से हैं दोस्तों कि जब आप जाते हैं क्राउड सर्फिंग करते हैं, और जिस होस्ट के पास आप जाते हैं पता चला कि उन्होंने आपको लूट लिया, या इस तरीके की कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा अनसेफ है। लेकिन उसके लिए कम्युनिटी ने बहुत सारे वेरीफिकेशंस किए हैं, जैसे कि आईडी आपके होस्ट की कम्युनिटी के पास होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी होंगी कि उन्होंने अपनी आईडी दे रखी है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, कि जो और लोग वहाँ जाकर के रुके हैं उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उस जगह के बारे में कैसे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पहले ही जान के जाना पड़ेगा। तो इस छोटी सी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि क्राउड सर्फिंग का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, और आप चाहते हैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिंग वीडियोज़, और सिर्फ ऐसी ही वीडियोस नहीं, ट्रैवल वीडियोस भी इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, हो सकता है कि मेरे और आपके जैसे किसी घुमक्कड़ के काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।